गाइस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है और जिसमें ऑलमोस्ट सभी वैकेंसीज इंजीनियरिंग फील्ड की वैकेंसीज है और आज हम इस वीडियो में उन सभी वैकेंसीज के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर डिस्कस करेंगे। कितने एग्जाम होंगे, कितने नंबर के होंगे, कब कब आपके एग्जाम होंगे। एग्जाम पैटर्न तो बहुत टफ है, लेकिन अगर आप एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हो तो आपको इजीस्ट रहेगा कि आप फर्दर स्टडी की जो प्लानिंग करनी है वो आप कर सकते हो अच्छे से। देखो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन डेट्स के बारे में जिस डेट में आपके एग्जाम होंगे। एग्जाम तो टफ रहेगा और जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत ही कम रहेगी, क्योंकि टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं बहुत ही कम टाइम फ्रेम यहाँ पे देखे रहता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा 14 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। प्री एग्जाम आपका होगा 3 सितंबर को, आपका प्री एग्जाम होगा। फिर इसका रिजल्ट भी 13 सितंबर को आ जाएगा। ये तो प्री एग्जाम की कहानी यहां तक खत्म हुई। ठीक है, अब आते हैं मेन एग्जाम पे। मेन एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो 18 सितंबर को आ जाएगा और मेन एग्जाम आपका 1 अक्टूबर को होगा, रिजल्ट 13 अक्टूबर को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इंटरव्यू का, जो एडमिट कार्ड है वो 22 अक्टूबर को आएगा और इंटरव्यू आपका 11 नवंबर को होगा और फाइनल रिजल्ट जो आपका बनेगा वो यहाँ पे 17 नवंबर को आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन आपकी ज्वाइनिंग भी दिसंबर तक आ जाएगी। देखो यहाँ पे जो टाइम मिल रहा है आपको, विद इन 5 मंथ के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एग्जाम बहुत फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या बोलता है इसका, प्री एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, ये 3 एग्जाम होंगे। लेकिन कुछ पॉइंट पे मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन इन्होंने दोनों पॉइंट दे रखे हैं वो सभी चीजें मैं शेयर करूंगा। देखो इस पूरे एग्जाम में कहीं पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप यहाँ पे दिल खोल के आराम से यहाँ पे अपना एग्जाम दे सकते हो। लेकिन जो सभी एग्जाम है, पेपर 1 एंड पेपर 2, इंटरव्यू जो भी है, वो सब कुछ आपका इंग्लिश में होगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी या अदर लैंग्वेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ठीक है, आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस होगी क्वेश्चन पढ़ने में भी और यहाँ पे आंसर देने में भी। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो। देखो प्री एग्जाम में यहाँ पे एक चीज दी हुई है, ये एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि कंसिडर नहीं किया जाएगा, फिर भी आप यहाँ पे देख लेना, आपको दोनों में अच्छा स्कोर बनाना है। ठीक है, ये क्लियर हो। पेपर 1 जो है आपका सीबीटी एग्जाम होगा, जो कि आपका 2 घंटे का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे लिया जाएगा, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपकी जो है 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर को कैरी करेगा। जितने भी स्टूडेंट इसमें पास होंगे, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट मेन के लिए एक वैकेंसी के लिए 20 स्टूडेंट को भेजा जाएगा। अगर सोचो यहाँ पे कि 100 वैकेंसीज है तो यहाँ पे कम से कम जो स्टूडेंट को भेजा जाएगा 20 टाइम स्टूडेंट को, मतलब कि 2000 स्टूडेंट को यहाँ पे भेजा जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, क्लियर यहां से। अब बात करेंगे जो जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो 50 है, रीजनिंग के क्वेश्चन है 30 है, जिसमें आपकी लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल रीजनिंग आएगी, दोनों रीजनिंग आएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं मैथ है तो आपके 30 क्वेश्चन है, और जीके और करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन है, जनरल साइंस के भी 30 क्वेश्चन है, और VIPO की नॉलेज जो है वो भी यहाँ पे 15 क्वेश्चन की है। और यहाँ पे जो है इस प्री एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग तो लेकर आने ही आने हैं, लेकिन आपको मेरिट में भी अपना नाम लेके आना है। UR को कम से कम 30 नंबर चाहिए, 30 तो आपके आ जाएंगे, अगर सभी में बी कर लोगे तो 30% तो आपका आ जाएगा, नो डाउट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पे आपको थोड़ा इजीस्ट वे रहेगा कि इसमें जो है 10-15-20 क्वेश्चन में आप तुक्के भी लगा सकते हो। OBC और EWS वालों के लिए 25% नंबर लेके आने हैं, और अदर कैटेगरी जो बच गया PWBD SC ST के लिए 20% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे लेके आने हैं। ये आपका पेपर, जो आपका पेपर 1 प्री एग्जाम ये क्लियर हुआ। अब बात करेंगे मेन एग्जाम की, जो यहाँ पे फोकसिंग पॉइंट रहा है हमेशा। देखो यहाँ पे ऑफलाइन मोड से आपका एग्जाम होगा, दोनों ही एग्जाम आपके ऑफलाइन मोड से होंगे, यानी कंप्यूटर पे आपका कोई काम नहीं होगा, जो आपका रिटन एग्जाम दिए जाएंगे। ठीक है, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जो है वो आपका OMR बेस्ड होगा, यानी गोले भरने वाले रहेगा, तो ये MCQ ही पेपर 1।
लेकिन आपको यहाँ पे गोले भरने हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ। पेपर टू आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया कि कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे डिस्क्लोज किए कि कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। देखो पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पेपर फर्स्ट आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है, जिसमें 100 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये आपका ओएमआर सीट पे होगा। आपको क्वेश्चन पेपर भी आपके हाथ में मिलेगा, सीट भी आपके हाथ में मिलेगी, आपको क्वेश्चन को देखना है, फिर आपको गोले भरने हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए, 1, 2, 3 और 4, जो भी आप सपोज करो आपको बी सही लगता है, बी में आपको ऐसे गोले भरने, इसको बोलते हैं ओएमआर सीट बेस्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। और बच्चों इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, जीके और जीएस के जो है करंट जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो 20 आएंगे, और जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो भी 20 आएंगे, और एलिमेंट्री मैथ के भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे। ये जो पैटर्न है ना जनरली पैटर्न, ये हार्ड पैटर्न नहीं रहेगा, ये नॉर्मल पैटर्न रहेगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव थोड़ा टफ आ सकता है, ठीक है बच्चों। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, और जो है आपकी जो है नॉलेज रिलेटेड आईपीआरएस के 20 क्वेश्चन, ये पूरे 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। और पेपर टू ये दोनों सेम होंगे, मतलब मेन एग्जाम आपका सेम डे होगा, पेपर फर्स्ट आपको मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे पेपर टू भी मिलेगा, जो कि आपका जो है नॉलेज आपकी चेक होगी, टेक्निकल एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन की यहाँ पे नॉलेज चेक होगी आपके, ठीक है। और इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, और इसमें 300 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, लेकिन जो इसका सिलेबस है वो सिलेबस इसके नोटिफिकेशन में नीचे दिया हुआ है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कुछ भी, आप कमेंट्स कर सकते हो, सिलेबस को मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ पेपर वन एंड पेपर टू की जो वेटेज है दोनों को मिला के 80% प्लस के इंटरव्यू की जो वेटेज है वो 20% रखा गया है, लेकिन आप स्टार्टिंग में जब आपका प्री एग्जाम है वहां पे लिखा हुआ था तो वहां पे क्लियरली एक लाइन मैं थी मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन नीचे इन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया है, तो फिर भी आपको हाई स्कोर यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का भी होगा, लेकिन जो इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट क्वालिफाई किए जाएंगे वो 1:5 के रेशियो में किए जाएंगे, यानी पेपर टू में जो क्वालिफाई किए जाएंगे यहाँ पे एक वैकेंसी के लिए 5 स्टूडेंट किए जाएंगे। सपोज करो 100 वैकेंसी है और यहाँ पे 500 स्टूडेंट जो है इंटरव्यू के लिए भेजे जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। और इंटरव्यू वगैरह जितने भी आपके एग्जाम होंगे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है आपके सभी इंग्लिश में लिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।